ये बॉर्डर है दोस्त, है ना। तो यहाँ पे आगे जाने के लिए क्या दिखाते हैं? हाँ, ये हम नेपाल बॉर्डर पे आ गए। ये भाई दूसरा नोट दे दे यार, ये तो पूरे है। अच्छा जी, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ, वो जगह क्यों फेमस है और किस चीज़ के लिए फेमस है। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के भी ब्रदर्स पे फिर एक बार। आज भाई फाइनली वो दिन आ गया जिस चीज़ का हमें था इंतज़ार। आज भाई हमारी बाइक पे हमने सारा सामान वगैरह सब चीज़ रख दिया, हम जा रहे हैं भाई नेपाल राइड पे। आज मैं सोच रहा था भाई जब तक यहाँ पे मन नहीं भरता ना तब तक यहाँ को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे मन तो मेरा अभी भी नहीं भरा, लेकिन मैंने सोचा भाई जिस चीज़ का इंतज़ार मैं सब वो करा रहा हूँ, सबसे पहले उसको पहले करा जाए राइड को कंप्लीट। तो भाई इसलिए आज निकल रहे हैं नेपाल राइड के लिए। और भाई सुबह सुबह मौसम बड़ा प्यारा, चारों तरफ कौए ही कौए। चलो भाई यहाँ पहले बैठते हैं बाइक पे। अब भाई मैं जिस चीज़ का इंतज़ार करवा रहा था आप लोगों को ना, तो फाइनली वो दिन आ गया। मैं इतने दिन से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था भाई यहाँ से जाने का, यहाँ इतना मज़ा। और भाई जो बंदे हैं ना यहाँ पे, वो पता है एनी टाइम साथ खड़े रहते हैं कि भाई कुछ खाना है, कहीं घूमने चलना है, बोर हो रहे हो, मतलब पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए भाई मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी कहीं जाने का, मैं यहीं पर थोड़ा बहुत घूम रहा था। और बीच में चले गया था मैं मिथिला हाट घूमने के लिए, जो यहाँ पे ना थोड़ी बहुत फेमस जगह, थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा फेमस जगह यहाँ की तो मिथिला हाट जिस जगह पे मैं हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई इस जगह को भी घूम के आते हैं। बहुत जन बोल रहे हैं कि मिथिला हाट जाओ, मिथिला हाट जाओ घूमने के लिए, वहाँ बहुत मस्त जगह, वीडियो मस्त बनेगी। मैं गया भाई, देखो जो ज़्यादा चहल पहल और ज़्यादा अच्छी जगह घूम के आ चुका होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उतना मज़ा नहीं आएगा, बट था अच्छा जगह। और सारे बंदे देखते हैं भाई ये क्या सेटअप लगा हुआ है इसके हेलमेट में। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं मेन हाईवे पे NH 27 पे। यहां से हमें ऐसे ऊपर चढ़ के हमें राइड घूमना है। अब यहां से चलना हमें फुल तेजी से भगाते हुए, मजे मारते हुए। और नीचे देख रहे हो भाई गाड़ियों का क्या हालत हो रखा है, ये देखो ये जंग लग गए सामानों में, बट इसके ओनर अभी तक आए नहीं इसको छुड़ाने के लिए। अब यहाँ से थोड़ा बहुत इसे भी चालू करते हैं। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा ना, वो फॉलो कर ले, उधर भी यही चैनल का नाम है केपी ब्रदर्स। यहाँ पे ना थोड़ा साइड में मैंने लगाया था, मैंने बोला कि थोड़ा मैप वगैरह देख लेते हैं भाई, हमें मुड़ना किधर है, कैसे जाना है। तो वो तो मैंने देख लिया, ये वाले हाईवे से भी हम जा सकते हैं और एक मधुबनी से भी है, दोनों रास्ता देख लेते हैं एक बार शॉर्टकट कौन सा पड़ता है। अच्छा 2 किलोमीटर वाले, मतलब हमें इधर मुड़ना है लेफ्ट, और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं, इससे दिखा रहा 8 घंटे 16 मिनट। ओ तेरी, इसे दिखा रहा 9 घंटे, तो हम 8 घंटे वाले से जाएंगे, हम 9 घंटे वाले से नहीं जाएंगे। देखो थोड़ा बताते रहना है ना। यहीं से मुड़ना, यहीं से हाँ देखो देखो। अच्छा फिर 1 किलोमीटर चलते रहे। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ से हमें पूरा 20 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है हमें। हा 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 हा, फोन को पहले जेब में ठूस लेते हैं भाई। और पता है 3-4 दिन ना इतनी तगड़ी गर्मी थी, इतनी तगड़ी गर्मी भाई जिसका कोई जवाब ही नहीं, इतनी तगड़ी गर्मी। और मैं ना परेशान हो रहा हूँ गर्मी से,
मेरा तो मन कर रहा था छोड़ छाड़ के सीधा बाइक स्टार्ट करो और भाई भग जाओ वापस दिल्ली, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई आया हूँ तो चाहे कोई कुछ भी हो जाए कैसा भी प्रॉब्लम आए लेकिन भाई घूमना पूरा है। बहुत लंबे टाइम बाद क्या कहते हैं इतने दिनों के लिए भाई घूमने फिरने को मिला है मौका, तो भाई इसे गंवाना नहीं चाहिए, घूम लेना चाहिए। तो मैंने बोला चल भाई रुक जाते हैं और रुका, तो भाई 2-3 दिन में ऐसा मौसम प्यारा बना और अभी भी देख लो भाई कितना प्यारा है मौसम। अब दोस्तों 1 किलोमीटर बाद आने वाला है मधुबनी, जहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, यहीं से लेना है हमें, लेफ्ट साइड पे चलना है हमें। देख रहे हो भाई मच्छी पकड़ रहे हैं सुबह सुबह। ओ भाई साहब इधर तो फुल मच्छी मच्छी खुशबू खुशबू हो रही है, या बदबू बोलू समझ में नहीं आ रहा। मच्छी बहुत सारे पाल रखे भाई इस तालाब में। ये देखो भाई क्या प्यारा व्यू है, ऐसा लग रहा है ना पूरे तारे तारे से चमक रहे हैं और यहाँ बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, पता नहीं ये मच्छी पकड़ रहे हैं शायद। भाई काफी बड़ा है ये मच्छी के लिए बना रखा है, इसमें मच्छी पाल रहे हैं और निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं, बाकी बंदे नहाने वाने भी आते हैं इसमें। मैं सोचा आप लोगों को दिखाया जाए ये भी। क्या हो रहा है? अच्छा यहीं से निकालो यहीं बेचो, ये सही है भाई। ये भाई ऐसे गांव-गांव से निकलता रहेगा रास्ता और इसीलिए इतना टाइम दिखा रहा है 200-300 किलोमीटर के चक्कर में, क्योंकि ये जो पूरे गांव-गांव से रास्ता जाएगा तो भाई हम बाइक को तेज भगा भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे जाएंगे तो भाई टाइम तो लगेगा। ये बॉर्डर है दोस्त है ना? अच्छा तो यहाँ पे आगे जाने के लिए क्या दिखाते हैं? हाँ तो ये आगे जाने के लिए भाई यहाँ पे क्यों पेपर वगैरह क्या दिखा करना पड़ रहा है? बाइक का भी बनता है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाना पड़ता, यहाँ भी दिखाना पड़ता। अच्छा अच्छा आगे भंसार कटेगा? नहीं मेरे को तो आगे जाना नेपाल। मैप में देखना, मैप में फोन आपके पास है? देखो देखो मेरे पास है फोन। अच्छा ये आ गए हम नेपाल बॉर्डर पे। अरे बॉर्डर है, रुक जाओ ना, लात नहीं रखा पैर नहीं रखा। ये फोन पकड़ जल्दी, देखो किधर मुड़ना, इधर ही। अच्छा ये रहा बॉर्डर, ये हम नेपाल बॉर्डर पे आ गए। अबे ये तेरा निकाल, लिखा नहीं है? अच्छा यहाँ कटेगा वो जो भी कटता है भंसार वगैरह, वो तो सीधा चले गया। उतरो भाई। दोस्त सिम कितने का मिलेगा? सिम का 500 रुपये नंबर है, उसमें 12 GB डाटा है, नेपाल के लिए 400 मिनट कॉलिंग फ्री। 400 मिनट लोकल कॉल। अच्छा और अगर नेपाल से अगर इधर करेंगे तो? व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए, तो मेन बैलेंस से बात कीजिए, 400 मिनट कटेगा नेपाल के साथ पर मिनट इंटरनेशनल। अच्छा नहीं तो व्हाट्सएप मतलब वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं? नहीं कितना है? ये 4.5 है। नहीं वीडियो बन रहा है। इंजन कार क्या होता?
जी भाई दूसरा नोट दे दो यार, ये तो पूरे हैं सब चलता है। अच्छा जी, कितना ये फटा हो है ये? अच्छा भाई, क्या घर आता है हमारा भाई? हम तो दिल्ली से हैं। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई? आरसी और लाइसेंस लेके जाइए वहाँ पे। हाँ, बोलिएगा 4 दिन का फुल बनचार करते हैं। ये लाइन में खड़ा हो जाएगा। कौन सा वाला लाइन में? इस वाले में। तो भाई हम आ गए नेपाल बॉर्डर पे प्रॉपर, और ये एक तरीके से नेपाल है इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हमने करेंसी चेंज कराया, वहाँ से भंसार कटाया, और उसके अंदर जहाँ वो लाइन लगाया ना, ये छोटी भंसार का है, वो बड़ी भंसार का है। छोटी भंसार और बड़ी भंसार ये है कि जो छोटे मतलब पास के लिए जा रहे हैं, जैसे जनकपुर के लिए जा रहे हैं मंदिर वगैरह घूमने के लिए, तो ये छोटा भंसार कटवाते हैं ताकि 5 बजे तक रिटर्न आ जाएंगे। और जिनको लंबा जाना है, जो रिटर्न नहीं आ पाएंगे, तो वो बड़ी भंसार कटवाएंगे यहाँ से। तो यहाँ कटवाने के बाद वो जो लाइन लग रहा है उसके अंदर बैंक है, वहाँ पर जाके पेमेंट जमा होता है। और ये जो सामने खड़े ना पिस्ता ग्रीन में, ये स्टैंप लगाएंगे और पर्ची होगी तैयार, यहाँ से निकल जाते हैं। ये अपना भंसार कटा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है 600 रुपये नेपाली करेंसी, जो कि ये लिखा है, जो कि 3 दिन का कटाया हमने। आज जा रहे हैं हम, कल घूमेंगे, परसों हम रिटर्न आ जाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं आगे, ये पेपर देखते हैं कहाँ कहाँ पे चेक होता है। अब ये देख लो, यहाँ पे ये शायद खड़े हैं चेकिंग वगैरह करने के लिए कि भंसार कटाया या नहीं कटाया, शायद इसलिए खड़े हैं। हाँ जी सर, बैग में क्या है? कपड़े हैं। भंसार है गाड़ी का? हाँ दिखाऊं? कितने दिन के हैं? 3 दिन का। काठमांडू। काठमांडू ऐसा बैग रखेगा तो आपको बाइक तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा चलाने के लिए। नहीं होएगा, आदत है, मैं राइडर हूँ, मैं घूमता हूँ ऐसे। राइडर है लेकिन काठमांडू का बहुत डेंजर रास्ता है ना, इसीलिए। लद्दाख से भी ज़्यादा? पूरा ऐसा लेह लद्दाख से भी ज़्यादा? चलो पीठ पे टांग, अच्छा पीछे टांग लेंगे फिर। हाँ, 2 दिन का है? 2 दिन का, 3 दिन का है। कहाँ से आया? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली? हाँ। कितना टाइम लग गया दिल्ली से आने? दिल्ली से 16 घंटे। ये 3 दिन का, 2 दिन का। आईडी प्रूफ क्या कुछ भी है? हाँ हाँ है, क्या चाहिए आईडी बताओ। बीवी है मेरी। हाँ, केटीएम जा रहा है? केटीएम काठमांडू किशन कुमार। दिल्ली दिल्ली प्रीति क्या है? प्रीति बीवी है मेरा, वाइफ है। ठीक है सर, धन्यवाद। अरे वो कुछ पूछ नहीं रहे थे, वो टाइम पास कर रहे थे। हाँ वो कर रहे थे टाइम पास कि भाई थोड़ी देर इनसे बातें बातें करते हैं और देखते हैं। हाँ लग रहा है बारिश की 2-4 बूंदे आ रही है। बंगाली है, कुछ भी नहीं होता, पर बंगाली कहते सर से पानी लग गया ना, हर चीज में ठीक ही लग रहा है। नहीं क्या है? ओए 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 ओए, चेक पोस्ट ही चेक पोस्ट है भाई हर जगह। देखो भाई अभी बच्चे कैसे देखेंगे ये देखना।
रिएक्शन देखो बच्चों का बस में से। ये देखो भाई देख रहे हो, पता ये बहुत तेज चिल्ला रहा था, राइडर है राइडर राइडर। मैंने हाँ सही पकड़ो, राइडर ही है भाई। ये देखो देख रहे हो, आ जाओ भाई इससे। बंदा पता है वहाँ पे क्या कह रहा था, जहाँ से मैंने बताया था कि करेंसी चेंज होगी, वो बंदा कह रहा है भाई सिम ले लो 500 रुपये का, क्योंकि क्या कहते हैं आगे से आपका सिम ना हो जाएगा बंद। तो मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, रहने दो, मेरे को 3 दिन के लिए जाना है, मैं क्या सिम लूँगा, होटल वगैरह लूँगा तो वहाँ पर मेरे को वाईफाई तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारी एंट्री जो है वो पहाड़ों में हो चुकी है, और यहाँ से 200 किलोमीटर है काठमांडू। अब यहाँ से हमें पहाड़ों में गोल 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 घूमते रहना है। जैसा कि भाई वहाँ पे आर्मी वाले ने बताया था कि यहाँ पे जो रास्ते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है और एडवेंचरिंग है काफ़ी ज़्यादा, तो भाई वो भी हम देख लेंगे कि भाई लद्दाख से ख़तरनाक है या नहीं। भाई देख रहे हो व्यू कितना प्यारा है यार, ख़तरनाक। अब आ गए भाई तगड़े तगड़े व्यू, और क्या पता इससे और आगे इससे भी अच्छे व्यू मिले। जितने भी भाई ना वीडियो देख रहे हैं ना, वो सारे भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि भाई आप पता नहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख इन साइड गए हो या नहीं गए हो, बट वीडियोज़ में आपने बहुत देखा होगा, तो वहाँ के और यहाँ का कंपेरिजन बताना कि भाई कहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आता है मतलब देखने में। और मैं ये सवाल खुद से भी पूछूंगा कि भाई अभी तक मुझे कहाँ मज़ा आया। पीछे एक्सीडेंट हुआ है भाई लग रहा है, हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी को कुछ हुआ नहीं हो पता नहीं भाई। पता नहीं ट्रक का हुआ है या बस का हुआ है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ, वो जगह क्यों फेमस है और किस चीज़ के लिए फेमस है, ये दोनों चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये जो जगह है ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे बंदे लेते हैं सेल्फी। देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये है सेल्फी पॉइंट। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो सेल्फी पॉइंट बना रखा है इसे, वो तो मेरे को देख के समझ कुछ अच्छा लग नहीं रहा। यहाँ से दोस्त ये शीशे क्यों लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं शीशे, कहाँ पे मंदिर कहाँ है? अच्छा ये मंदिर के चक्कर में लगे हुए हैं। पता नहीं भाई वो बंदा सही से बोल तो पाएगा नहीं और समझा पाएगा नहीं मुझे, खैर जो भी है ये मंदिर के लिए लगा हुआ है, इतना तो बंदे ने बता दिया। हाँ मस्त तो लग रहा है, उतार लूँ अबे यहाँ लगाने आते बंदे उतारने की बात करती है हमेशा। तो मेरे भाइयों हम लोग काफी दूर पहुंच चुके हैं यहाँ से, अब हमें जाना है 80 किलोमीटर दूर, और मौसम भाई फुल ख़तरनाक ही ख़राब हो चुका है, और अपना इंस्टा वाला माउंट कैसे हिल गया भाई,
अपना पे शीशा खुल गया था यार। और मौसम फुल ख़तरनाक वाला, बारिश होने वाला है ऐसा लग रहा है। और भाई थोड़े बहुत बूंद भी गिरने लग गए हैं भाई। बारिश हो उससे पहले ही हम होटल वगैरह ले लें, मतलब कि पहुंच के, बगैर पहुंचे नहीं जा भाई, तू ही जा, तेरे को लग रहा है बहुत जल्दी है। तो ये बंदा वैसे ही बहुत तेज़ी तेज़ी से भगा रहा है। तो मेरे भाइयों आप लोग देख सकते हो भाई, बारिश हो रही है दबा के, और हम ऑलमोस्ट थोड़े बहुत तो ऑलमोस्ट क्या भीग ही गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं पे होटल लूँ और वहाँ पे स्टे करूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँ। अब भाई होटल ले कहाँ पे वही देख रहा हूँ। आईडी कार्ड भी दिखा दूंगा। खाना होना लगाना, ये बता दो मेरे को। बाइक अंदर लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड में बाइक लगा देता हूँ, इसको निकाल लेते हैं और बाइक को खड़ी कर दी यहाँ, हैंडल लॉक करके। ओए होए फुल कीचड़ हो रहा भाई तगड़ा। और अपना ये होटल है, होटल क्लासिक। चाबी निकाल लेना।